तो चलिए आज हम सरसों वाली आलू बैंगन की सब्जी बनाते हैं। तो पैन चढ़ा दिए हैं और इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं। अब ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें कटे हुए 2 मिर्ची डाल दिए हैं। फिर इसमें 1 चम्मच पंचफोरना डाल देंगे, इसे मिला देंगे। फिर इसमें 1 बड़ा कटा हुआ प्याज डाल देंगे, इसे ब्राउन होने तक चलाएंगे, इसे लो फ्लेम पे ब्राउन होने तक चलाएंगे। फिर इसमें टमाटर डाल देंगे, फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे। जब ये हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें सरसों लहसुन थोड़ा सा पीसा हुआ डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे, ब्राउन होने तक मसाला को फ्राई करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। देखिए मसाला पक चुका है, तो इसमें अब हम बैंगन आलू डाल के और थोड़ा देर इसे अच्छे से पकाएंगे और इसे मिक्स कर देंगे। 8 से 10 मिनट इसे लो फ्लेम पे ढक के पका लेंगे। तो ये देखिए हो चुका है एकदम अच्छे से फ्राई। इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे, अब इसे अच्छे से मिला देंगे। अगर गाढ़ा ग्रेवी खाना है तो 1 गिलास पानी डालिए, अगर पतला खाना है तो और पानी डाल लीजिए। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसे ढक के पकाएं। ये देखिए गर्मा गर्म आलू बैंगन की सब्जी सरसों वाली तैयार है। तो अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें।